ने तो देखो सीता मां नूं नहीं जीन दिता सी, लोकां ने तो उन्हां दे करैक्टर ते उंगली चक्की सी ते असी की चीज़ है। बट हुण मेरी यह सोच है मैं सीता की तरह अग्नि परीक्षा नहीं देनी। मैं क्यों अग्नि परीक्षा देवा? हर वारी हर युग च सीता ही अग्नि परीक्षा क्यों दे? मैं नहीं दूंगी, मेरा जो दिल करता मैं उही करूंगी। जिन्हों कहते ना एल डबल के फैक्टर, मैं बड़ा वड्डा सोचा, लोग क्या कहेंगे, ये तुसी इग्नोर करना सीख लो। पिता पति फिर पुत्र, बट हुण मैं लगदा हुण आपां तीन पप्पियां दे अधीन नहीं रहन लगे, हुण असी इन्हां दे नाल बराबर खड़े हैं। मतलब उन्होंने घर के शीशे उतारते सी भी इह अपनी शक्ल देख के डर जाएगी। मैनूं अज भी याद है एक सामने आंटी सी, उन्होंने मेड मैनूं देख के गई, वो डर गई, कहिंदी आंटी के ना फेस जल गया। एक गल ओही ना दूजे पासे दी घाव हमेशा हरी हुई दिखती है, मतलब दूजे नूं लगता है कि उहदी जिंदगी बड़ी सुखी, हाँ भी मैडम सवेरे सवेरे तैयार होकर आराम नाल निकल जाती है। नहीं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी थाडी अपनी है, अपनी खुशी की रिस्पोंसिबिलिटी थाडी अपनी है। अपनी खुशी अपने बच्चियां च परिवार च बाहर ना लभो, अपनी खुशी अपने अंदर लभो। मतलब बेटियां नूं बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती, शुरू तो ही उन्होंने राजा बेटा कह के ना राजा ही बना दिता जाता है। साडा बच्चा गया, साडा रिश्ता खत्म, असी एक रुपया नहीं देना। तुम्हें क्या पता तुम 40 तक जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे। इसलिए हर दिन नूं इदां ही जियो कि ये आखिरी दिन है और मैं जिंदगी च ये फलसफा अपना रही है। मैं थानू पहले भी किया, मैं मरण तो पहले जीना चाहनी है और मैं हर टाइम खाने तो पहले प्लेट उन्होंने अगे टेबल से रख के लेके जानी, चलो आओ खाना खाइए, तो मैं लगता मेरे नाल बैठ के खाना खाते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हुण ये है कि हुण फर्क ही नहीं पैंदा, हुण इन्ना फर्क पै गया कि फर्क ही नहीं पैंदा। उन्होंने काम तो मुड़ काम ते ही जाना पैंदा, पहले बाहर काम करके आओ फिर घर काम करो। सब कुछ मुमकिन है जे तुसी अपने मन च एक वारी ठान लो, अपनी दृढ़ शक्ति नूं इन्ना कु मजबूत कर लो कि रब भी कहे ये तो बंदा बड़ा ही ढीठ है, इहदे नाल तां मैनूं साथ देना ही पैणा। निर्भर हैगे आ, निर्भर होके भी किते ना किते असी फिर भी डिपेंडेंट ही है। मैं तां जिंदगी बहुत बहुत खुल के जीनी है। मैनूं लोकी बड़ी बारी कहिंदे मैडम तुसीं कल्ले आ, तुसीं रोटी की बनांदे हो? क्यों नहीं बनांदी मैं रोटी, एक दिन नहीं बनाऊंगी, दो दिन नहीं बनाऊंगी, चार दिन नहीं बनाऊंगी, खानी तो मैं भी रोटी हुई है ना। ठीक है मेरे हम सफर चले गए पर मैनूं लगदा फिजिकली मेरे नाल ही हैगे, बट मैं उन्हां दी प्रेजेंस हर टाइम अपने नाल फील कर। साडे चैनल नाल जुड़े सारे दर्शकां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों कोई समा हुंदा सी जद मर्द कमा के लियांदा सी ते औरत घर संभालदी सी, फिर समा बदलिया, औरत ने भी घर दे बाहर पैर धरिया, औरत ने कमाना शुरू किया, आत्म निर्भर हो गई, बहुत सारिया समस्यावां दा हल हो गया। पर बहुत सारिया समस्यावां हाले भी ने, साडा समाजिक ताना बाना बहुत ही उलझ के रह गया है, तलाक दे केस भी वध गए ने ते रिश्ते भी तार तार हो रहे ने। अज असी जिन्हां नाल गल करन जा रहे हां ਉਹ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਰੂਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? देखो पहली गल तो एक औरत नूं ही बहुत चुनौतियों का सामना करना पैंदा, क्योंकि एक समाज जिहड़ा साडा ना पुरुष प्रधान है शुरू तो ही। मतलब बेटियां नूं बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती, शुरू तो ही उन्होंने राजा बेटा कह के ना राजा ही बना दिता जाता है कि हाँ समाज का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक पुरुष ही करेगा। तो औरतों नूं बहुत चुनौतियां पेश आंदियां, औरतों नूं वड्डी चुनौती ये आंदी है उन्होंने काम तो मुड़ काम ते ही जाना पैंदा, पहले बाहर काम करके आओ फिर घर काम करो, घर आके बच्चियां नूं सास सहुरे नूं मां प्यो नूं देखो, ते कम तो मुड़ कम ते जाना ये बहुत वड्डी चुनौती है। और ये सारी एक्सपैक्टेशन सिर्फ एक औरत तो ही रखी जा रही है। जे एक मर्द बाहर काम करता है वो तो कभी नहीं उम्मीद होंगी कि वह घर आके काम करेगा, नहीं हो सकता। अज तक थोड़ा जहा माहौल बदल रहा है तो पढ़े लिखे युवक मोढ़े नाल मोढ़ा मिला रहे होंगे, पर ज़्यादातर यही सानू देखन आ रहा है कि एक औरत तो ही एक्सपैक्टेशन रखी जाती है कि उही घर भी काम करेगी, जे बाहर कर रही तो घर आके भी ओदा बराबर ही काम करेगी। ये सारा कुछ मर्द तो नहीं उम्मीद रखी जाती जी। हाँ
कारण की है कि आप मर्द तो क्यों नहीं उम्मीद रखते, क्योंकि देखा जाए तो कहते ने कि जो गड्डी है ता ही चलती है जेकर मर्द ते औरत एक दूजे का साथ देंगे हर एक काम दे विच। हुण औरत ने देना शुरू कर दिता, वह मर्द के बराबर कमान लग गई, घर के खर्चे विच अपना योगदान देन लग गई। मर्द क्यों नहीं जेडे आ ज्यादातर मर्दा की गल कर रहे हैं वह क्यों नहीं साथ फिर देंगे घर के कमां च? इहदे च मैनू लगता शुरू तो ना गलती किते ना किते साडी है। सानू अपने जो असीं बेटे की परवरिश करते ना शुरू तो बेटे नू इह संस्कार देने चाहिए है कि बेटे जो तेरा विआह होएगा या जिदा भी है तू अपनी जिहड़ी वाइफ है उहदे नाल बराबर, जे उह बाहर कमा रही तेरे नाल बराबर कमा रही ना ते घर दा काम भी तू भी उहदे नाल बराबर करना। ते इह च किते ना किते साडा रोल एज ए मदर ज्यादा है। जे असीं अपने बेटे नू करांगे ना इस बारे अवगत तो मैनू लगता है ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। जी तुसी बहुत वधिया गल कही, मैनू याद आ रहा है माधुरी दीक्षित दी एक एडवर्टीजमेंट सी ते उन्दे विच ये दिखाया गया सीगा कि हर एक माँ प्यो या समाज दे शख्स जिहड़े आ बच्चियां नू ये कहिंदे खास करके मुंडियां नू मर्द रोते नहीं है, मर्द रोते नहीं है। ते अखीर दे विच आके कहिंदी है कि असीं अपने बच्चियां नू हुण ये सिखाना शुरू करिए कि मर्द रुलाते भी नहीं है। ते सही गल है, ये तुसी बहुत वधिया गल कही कि जेकर मां ही इस तरीके दी परवरिश देगी ते किते ना किते समस्या बदलेगी, हल हो सकती है, कोई बदलाव तो आएगा। जी और मैं अपने बेटे नूं शिक्षा दे रही हूं, मैं दे रही हूं कि जे मेरी डॉटर इन लॉ बाहर काम कर रही तेरे नाल ये तेरी ड्यूटी है, जे ओदी ड्यूटी हैगी है काम करना तेरी ड्यूटी है, ओदे आंदे नूं तू भी ओदे नाल हेल्प पूरा बराबर रसोई च खड़ा हो, क्यों नहीं करना, करना चाहिए काम। जी मैडम अक्सर ही ना जी हाउसवाइफ्स होंगे वो सोच लैंदियां ने कि जिहड़ियां कामकाजी औरतां उन्होंने जिंदगी बहुत वधिया होएगी, वह तो कमा रही ने, सानू तो हाथ अड्डना पैंदा है किसी के अगे ते ये अपना कमा रही ने अपना खर्चा कर दियां होणगियां। किन्नी को सच्चाई है, किन्नी को वधिया जिंदगी होंगी है? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਨਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੁੱਖੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਔਰਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਔਰਤ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਰ ਔਰਤ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੱਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪੱਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮੈਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ 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 ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਔਰ ਔਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਸਕਸ਼ਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
तलाक इस लिए नहीं हो रहे औरत पढ़ गई है, जबकि मैं लगता है दूजी तरह लेना चाहिए। हूँ औरत जो पढ़ गई है ना वो ये हो कि उस जो एक रिलेशनशिप है जो दम घोटू रिलेशनशिप है, मैं लगता सारी जिंदगी दंश न झेलन की बजाय औरत जो हूँ अपनी कहते इंडिपेंडेंट है आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर है हूँ उन्होंने ये लगता है बजाय कि मैं सारी जिंदगी अंदर रवा इस दम कोटू दे रिलेशन दे अंदर रवा हूँ जे मैं कमा रही हूँ मैं इस रिलेशन तो मुक्ति पावा ताकि मैं अपने बच्चों लिए एक सफल उज्ज्वल भविष्य अगे खड़ा कर सका। मैनू ये लगता है इसलिए तलाक के केस बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम पहला भी सी, प्रॉब्लम पहले भी सी बट औरत जिन्हों कहते तीन पप्पियां दे अधीन सी वो इन्नी अपने आप च बोल्ड सीगी नहीं कि अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके। हुन औरत अपना डिसीजन खुल के ले रही है और मैं लगता है इस कोई गलत भी नहीं है जी। गलती भी नहीं है जी। मैम तुसी सिंगल पेरेंट हो तो हाडे हम सफर जो इस दुनिया नू अलविदा कह गए उस तो बाद केड़ियां मुश्किल आईयां तुहानू? मुश्किल आई हैं, बहुत मुश्किल आई हैं। पहली गल तो असी बच्चों नू पढ़ा लिखा दी हुई क्योंकि मेरे इनलॉज ने स्ट्रेट अवे मैनू कहता सी साडा बच्चा गया साडा रिश्ता खत्म असी एक रुपया नहीं देना और बड़ी टेंशन हो गई सी कि हुण बच्चे किदां पढ़नगे। ठीक है मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स ने मैनू बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मुश्किल आई हैं बट मैं मुश्किलों के नाल ना जिन्हों कहते ना खड़ी रही, बिल्कुल डट के खड़ी रही और मैं लगता जब मैं डट के खड़ी रही ना ईश्वर ने भी मेरा साथ खूब दिता और ईश्वर कहता ठीक है चल तू अगे अगे तुर मैं तेरे पिछे पिछे खड़ा और बच्चे पढ़ गए। बेटी ने हार्वर्ड तो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बेटे ने भी बाहर कैनेडा तो पढ़िया। अच्छा तो मैं लगता कि मेरी हिम्मत जिन्होंने कहते ना हिम्मत है मरदा मदद खुद का खुदा हिम्मत की मदद खुदा ने की। मैं पूछना चाहूंगी हम बच्चों की गल करते हैं कि कामकाजी औरतों के बच्चों की सफर करना पैंता है क्योंकि बच्चे जेडे ज्यादातर समय पहला माँ के कोल रहिंदे हुंदे सी, बच्चा जांदा सी सवेरे स्कूल जो घर आंदा हुंदा सी माँ मिलती हुंदी सी, पर अज के समय के जिन्नी महंगाई है भज नठ की जिंदगी विच औरत भी शाम नूं घर आंदी है कमा के ते बच्चों के उत्ते की असर पै रहा है क्योंकि तुसीं बच्चों के विच रह रहे हैं। मैं सिर्फ तुहाडे बच्चों की गल नहीं कर रही, मैं अज के समय के क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चे जेड़े आ तुसी हुण तक मेरे कहना बहुत लंबे अरसे तो टीचिंग लाइन दे हां जी 20 साल हो गए मैनूं 20 साल हो गए ने बच्चियां दी लाइफ दे विच की चेंजेस आंदियां पहले बच्चियां दे ते हुण दे बच्चियां दे फर्क पर नेचुरली थाडी गल तो मैं बिल्कुल एग्री करदी क्योंकि कामकाजी औरत है खर्चे इन्ने ज्यादा वध गए औरतां नूं बाहर काम करना ही पै रहा और उहदे नाल किते ना किते बच्चे तां सफर कर ही रहे हैं क्योंकि घर जदों जांदे आ मां नहीं दिखदी और जो परवरिश एक मां जो टाइम एक मां बच्चे नूं दे सकदी है वो आपा कमी पूरी नहीं कर सकते और कितने ना कितने बच्चियां दी पढ़ाई च भी फर्क पै रहा और बच्चियां दे हाथ च इलेक्ट्रिक जड़े गैजेट्स आ गए उन्होंने होर ज्यादा उन्होंने काम खराब करता है जी। इसलिए मैनू लगता है फर्क काफी ही पे है, काफी पे है जी। मैम हुण असीं गल करते हैं तुहाडे इकल्लेपन दी क्योंकि तुहाडे बच्चे बाहर ने ते हम सफर है नहीं ते तुसी कल्ले ही रहिंदे हो, अक्सर ही इंसान जिहड़ा है ना इकल्लेपन तो घबरा जांदा है। बहुत सारे लोग कहिंदे ने कि जो मानसिक समस्यावां ने ना वो इकल्लेपन तो ही पैदा हुंदियां ने। बिल्कुल सही। तुसी इकल्लेपन दे नाल किवें नजिठदे हो? मैं एक्चुअली ना इकल्लेपन नूं अपना साथी बना लिया जी ते मैनूं लगदा मेरी मुश्किलां हल हो गईआं जी और मैं कदी ये सोचदी नहीं मैं कल्ली हां जी। मैं अपने आप नूं इन्ना क बिजी कर लिया तुसीं सोच ही नहीं सकदे। पहले तो काफी टाइम मेरा 2:30 बजे तक मैं घर ही आनी स्कूल घर आके थोड़ा जिहा रेस्ट किया और फिर मैं निकल जाती अपनी लंबी वॉक जी, फिर वॉक कर दी 1.5 घंटा फिर आके शामी पूजा पाठ करो, फिर स्कूल थानूं इन्ना एंगेज रखदा ना कोई ना काम स्कूल दा मैं करदी रहनी और मैं एक मिनट भी अपने माइंड नूं खाली नहीं होण दिंदी। कुछ ना कुछ रीडिंग करदे रहो या कुकिंग करो या गार्डनिंग या साइकिलिंग और वॉक करो तो मेरा टाइम निकल जाता है और मैं कभी यह सोचिया ही नहीं मैं कल्ली है। ठीक है मेरे हम सफर चले गए पर मैं लगता फिजिकली मेरे नाल ही है बट मैं उन्होंने प्रेजेंस हर टाइम अपने नाल फील कर जी। असीं सुनिया है कि तुहाडी जिंदगी दे विच एक हादसा होया सी जिन्ने तुहाडी जिंदगी दा रुख ही बदल दिता कि तुहाडा एक्सीडेंट हो गया सी ते बहुत औखा हुंदा है दोबारा अपने आप नूं रिकवर करना ते फिर तो अपनी जिंदगी दे विच अग्गे वधना। पुछना चाहांगे वो हादसा कदों होया सी, किवें होया सी ते किवें तुसीं उस ट्रोमा तो बाहर निकले? हादसा ही होया सी 2013 दी गल है शायद जी। मैं स्कूटर ते जा रही सी पिछो दी किसी ने हिट किया, मैनू नहीं पता किस चीज ने मैनू हिट किया, ट्रक सी या की जी। और मैं गिर गई जी
और मतलब मेरा आ वाली लेफ्ट साइड पूरी ऑलमोस्ट डैमेज हो गई, फ्रैक्चर भी होए, फेस तो बिल्कुल डैमेज हो गया सी जी। मतलब बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा जे आ गया सी, फिजिकल तो सीगा मेंटल भी आ गया सी। मतलब मेरे मदर भी घर आए हुए सीगे काफी देर, मेरे को 15-20 दिन वो कटा के गए जी। मतलब उन्होंने घर के शीशे उतारते सी भी ये अपनी शक्ल देख के डर जाएगी। मैनू अज भी याद है एक सामने आंटी सी, उन्होंने मेड मैनू देख के गई और डर गई, कहती आंटी के ना फेस जल गया है। मतलब तुम सोचो मैं किन्नी जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ सी, शायद दोबारा ही जन्म होया और इन्ना डर बैठ गया सी, तुरंत तो भी डरन लग गई सी भी तुरूंगी तो डिग जाऊंगी जी। बट फिर अपने आप नु दोबारा खड़े किया, फिर अपने मदर नु देखे, मेरे मदर भी सिंगल पेरेंट है और मेरा ब्रदर मेंटली थोड़ा जिहा हैगा तो उन्नू भी सामना, तो मैं कितने ना कितने जो डिगदी है ना मैं मुड़ के खड़े होने की हिम्मत अपनी मां को ही लेके आनी या मेरा ईश्वर मेरे नाल। और उस चीज तो मैं फिर दोबारा खड़ी हुई, फिर दोबारा ड्राइविंग सीखी और फिर हुन ये सोच आके मैं गड्डी चलानी भी सीखी, कार ड्राइविंग सीखी। और मैनू लगता किते ना किते जो भी है जड़ी हिम्मत है ना वो असी अपने आप तो ही लैने हैं जी, असी अपने आप दे बेस्ट टीचर है। और जे तुसी मैनू लगता है हिम्मत कर देना ईश्वर भी साथ दिंदा है। और कहिंदे ना पुरानी कहावत, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, कर तू हिम्मत ते मैं तेरे नाल खड़ा। और वाकई ये सही है, बिल्कुल सही है जी। हाँ कहिंदे ने कि इंसान जिहड़ा है ना बहुत ही डोल जांदा है जदों जिंदगी दे विच एक तो बाद एक इस तरह के हादसे होण या इदां परेशानियां होण, ते समाज जिहड़ा है वह जीन नहीं दिंदा, समाज भी किते ना किते तंग करदा है। ते समाज विच विचरदियां की समाज गल्लां करदा हुंदा सी, किन्ना को ध्यान दिंदे सी, किवें अपने आप उत्ते कोई असर नहीं होण दित्ता समाज दीआं गल्लां दा? देखो है तां मैं भी इक इंसान ही, असर मेरे ते भी हुंदा, शुरू शुरू च मेरे ते बहुत असर होया, लोकी गल्लां करदे भी सी और लोकी थानू स्पैशली जड़े आदमी है मतलब उन्हां दी सोच ना बड़ी एक संकीर्ण जिही हैगी है भी औरत नू इंडिपेंडेंट हुंदे देख नहीं सकदे जल्दी। शुरू च असर हुंदा रिहा, फिर हौली 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 अपना माइंड सैट चेंज किया भी नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हुन ये है कि हुन फर्क ही नहीं पैंदा, हुन इन्ना फर्क पै गया कि फर्क ही नहीं पैंदा। हाँ हुन मैं परवाह ही नहीं करदी लोकी की सोच रहे की कर रहे, मेरा जिद्दां दिल कर रहा मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तां ते जी रही है। और मेरी हुन इक्को ही सोच है, मैं मरण तो पहले जीना चाहनी है, मैं मरण तो पहले जीना चाहनी बस। उम्र दे इस पड़ाव ते आके लगता है कि कुछ चीजा छुट गई, कुछ पिछे आ रह गई, कुछ इदा दे तुहाडे सुपने जो हजे तक पूरे नहीं होए पर हुन पूरे करने आ। हाँ बहुत रिग्रेट है, एक्चुअली मैं पढ़न च बहुत होशियार सी, मैं अपने टाइम च यूनिवर्सिटी च हॉस्टल च रह के पढ़ी हुई है, मेरे फादर दी सोच बड़ी ब्रॉड माइंडेड, मेरे पेरेंट्स, हाँ मेरी एक कोई मतलब दिली इच्छा सी मैं IAS ऑफिसर बना, वो रह गई बस ये एक मलाला, बट चलो कोई फर्क नहीं, फिर भी हुन मैं किन्ने ही IAS ऑफिसर बना रही हूं। जी इत्थे मैं पूछना चाहांगी कि एजुकेशन सिस्टम दे विच की फर्क महसूस करदे हो? हाँ जी आया, बहुत बदलाव आया, जिद्दां तुसीं कह रहे ना पहली टीचिंग और हुंदी टीचिंग च बहुत फर्क है। पहले असीं बच्चे नूं डांट भी लैंदे सी, किते ना किते उन्हूं कह भी देना, पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं, पेरेंट्स ने कहना हाँ जी मैम जे गलती करेगा ना जरूर डांटियो। हुण किते ना किते इहदे लई ना पेरेंट्स भी मैनूं लगदा हैगे आ नहीं नहीं हमारे बच्चे को कुछ नहीं कहना, और हुण टीचर भी थोड़े चेंज हो रहे हैं। और मैनूं मैं अपनी टीचिंग नूं बहुत चेंज कीता, हुण मैं बहुत ज्यादा जिन्हों कहते ना प्यार ना पढ़ा रही हूँ, और मैनूं लगदा मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। पहले मैं स्ट्रिक्ट रहिंदी सी, हुण देखो मैं मैथ्स दी टीचर है और मैं इन्ने क प्यार ना पढ़ानी, बच्चे हुण मैनूं प्यार करदे हो और जो मैनूं प्यार करदे ना मेरे सब्जेक्ट नूं भी प्यार करदे। मतलब हुण मैं किसे नूं नहीं चेंज कीता, मैं अपने आप नूं चेंज कीता, अपना टीचिंग स्टाइल टोटली चेंज कर लिया जी। ये बहुत बड़ी गल हुंदी अपने आप विच बदला लिया ना, मैं लिया क्योंकि इंसान कहिंदा है कि वड्डड़ियां सजड़ड़ियां निबन सिरां दे नाल, बदलाव कित्थों लिया जे तुसीं इत्थों बदलोगे अपना, जे तुसीं माइंड चेंज कर सकदे मैनूं लगदा तुसीं कुछ भी कर सकते। और एदी मिसाल मैं अपने आप नूं दे रही, क्यों तुसीं यकीन मन्नोगे मैडम मेरा वेट 85 सी और हुण आई एम नाउ एट 52, मतलब ऑलमोस्ट मैं तुसीं समझो 33 किलो वेट घटाया। कोई कहिंदा सी कि नहीं इस एज वेट कितना घटा सकते, कोई नहीं, मैनूं हुण भी लोकी पुछदे तुसीं कुछ हर्बल टॉनिक लिते तुसीं, बई मैं कुछ नहीं लिता, मैं अपनी एक जिन्हों कहिंदे ना जिद, जिद दे नाल पतली हुई है कि हाँ ये मैं काम कर सकती ते मैं कर ही सकती। मैनूं लगदा वाकई दुनिया च कोई भी काम नामुमकिन है ही नहीं है, सब कुछ मुमकिन है जे तुसीं अपने मन च इक वारी ठान लो, अपनी दृढ़ शक्ति नूं इन्ना क मजबूत कर लो कि रब भी कहे ये तो बंदा बड़ा ही ठीठ है, ये नाल तो मैनूं साथ देना ही पैना। और मैनूं लगदा मैं उही ठीठ ही बंदा जी। हाँ
ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਘਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਨਰ ਸਰਕਲ, ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ 101% ਸਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਦੋਸਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਫਿੱਕ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਦਾਪੀ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ? ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਚਲੋ ਆਓ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਣ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 5 ਜਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ 40 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ, ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਤੁਮ 40 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਓ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੋਗੇ, ਔਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
होया असर, फिर मैं अपने आप नूं फिर दोबारा खड़ा कीता। नहीं, मैनूं इहनां दी गल्लां दे नाल सुन के फिर मैनूं इह लग्गिया कि इहनां दी किते ना किते मैं ईश्वर नूं प्रार्थना की कीती, इहनां नूं थोड़ा जिहा तुसीं सदबुद्धि दिओ, ठीक करो। मैनूं इहनां दी सोच दे नाल कोई फर्क नहीं पै रिहा और मैं किसी नूं दिखाना नहीं, मैनूं पता मैं अंदरों किद्दां दी ना। मैनूं किसे तों कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहीदी, ओह मैनूं कहेगा ए मैडम इदां दी तां मैं इदां दी, नहीं। आई नो माई सैल्फ, हू एम आई, जबकि तुसी मैनूं डिफाइन नहीं करोगे कि रूपा किद्दां दी है, मैनूं पता मैं किद्दां दी। और मैनूं हुण सच्ची कहां मैनूं फर्क ही नहीं पै रहा। और मैं सब नूं ये संदेशा भी देना चाहनी है, जिंदगी जे तुसी कामयाब होना है, अगे वधना है, जिन्हों कहिंदे ने एल डबल के फैक्टर, मैं बड़ा वड्डा सोचा, लोग क्या कहेंगे ये तुसी इग्नोर करना सीख लो जे अपनी जिंदगी च खुश रहना चाहते हो। जी बहुत वधिया मैडम ने सुनेहा दिता है कि लोग क्या कहेंगे, ते बहुत ही वधिया तरीके दे नाल उन्होंने दिता है कि जिंदगी दे विच ना कोई तो बोलेगा ही, तुहाडे बोलेगा ते तुहाडे बेगाने भी। अच्छा मैडम, तुसी अपनियां दी गल करदे आ, अपनियां दा दुख कहिंदे बहुत हुंदा है, बेगाना कोई कह दिंदा आपां इग्नोर कर सकदे आ भी चलो की आ की फर्क पैंदा है, पर जदों घर दे अपने ही तुहानूं कहना शुरू कर देण फिर उन्हां नूं इग्नोर भी नहीं कीता जांदा, उस सिचुएशन दे विच औरत की करे? देखो मैं तां इस मामले च बड़ी लकी रही हां जी, क्योंकि एक्चुअली असीं चार सिस्टर्स हैं, चारों हाईली एजुकेटेड, एक सिस्टर मेरी गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सारी टीचिंग प्रोफेशन च है, मेरे मदर भी बहुत सपोर्टिव, वो अपनी फैक्ट्री हजे भी आपे चला रहे हैं, ते मेरी फैमिली ने मैनूं बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जिन्हों कहिंदे मेरे बच्चिया ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर्स ने, मेरे ब्रदर इन लॉ सब ने बहुत सपोर्ट किया। बट जिदा मैनू सपोर्ट मिलता हो सकता है बाकिया औरतों सपोर्ट ना मिले, बट ओद फिर मैं थानू उही कहना चाहनी ना, सानू इग्नोर करके ही जीना पैंदा जी, क्योंकि कहिंदे ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तुसी लोकां दी गल्लां च ध्यान बिल्कुल नहीं देना, जो थानू ठीक लगे, जिथे थाडा जमीर आवाज दे कि हां ये गल ठीक है, तुसी ओदे नाल ही खड़े रहना। लोकां दी गल्लां सुनोगे, लोकां ने तां देखो सीता मां नूं नहीं जीन दित्ता सी, लोकां ने तां उहनां दे करैक्टर ते उंगली चक्की सी, ते असी की चीज़ है। बट हुण मेरी इह सोच है मैं सीता दी तरह अग्नि परीक्षा नहीं देनी, मैं क्यों अग्नि परीक्षा देवां, हर वारी हर युग च सीता ही अग्नि परीक्षा क्यों दे, मैं नहीं दूंगी, मेरा जो दिल करदा मैं उही करूंगी। जद औरत ने जदो पुराने टाइम दे विच सती प्रथा सी, बाल विवाह सी, विधवा नूं पुनर्विवाह करन दा कोई भी हक नहीं सी, जो समाज सुधारकां ने इन्हां समस्यावां दे उत्ते ठल पाई, औरत नूं इन्हां विचों बाहर कढ़िया, तां उस तों बाद हर एक ने इह गल कही कि इह समस्यावां अगों ना वधन, इसलिए औरत नूं ही पहल करनी पएगी, क्योंकि जिन्नी देर तक औरत खुद अपने लिए लड़ेगी नहीं ना, उन्नी देर तक उन्दे खिलाफ जिहड़ा है इंसाफ कदे नहीं होएगा, उन्दे खिलाफ इनजस्टिस हुंदा ही रहेगा, इसे लिए औरत ने अपने लिए हुण आवाज चकनी शुरू कर दित्ती हुई है, ते तुहाडी वर्गियां शख्सियतां जिहड़ियां ने हुण जिंदगी जीण दीआं गल्लां करदीआं ने, हुण नाल मरण दीआं गल्लां नहीं करदीआं, हुण डिप्रैशन च जाण दीआं गल्लां नहीं करदीआं, ना ही अपनी जिंदगी नूं खत्म करन दीआं गल्लां करदीआं ने। मैडम तुसीं बहुत वधिया सुनेहा दित्ता ते बहुत ही वधिया लगा, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਦੇਵੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਬਦਲੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।